नुहू जिले के एसपी नरेंद्र सिंह बिजारनिया पिनगवा कस्बा पहुंचे और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गौकसी जिले में जहर घोलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे पूरे जिले के अलावा आसपास का भाईचारा खराब हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नुहू हिंसा में सबसे बड़ा रोल गौकसी का रहा है। जो लोग गौकसी गौ तस्करी करते हैं उनका गांव से ब्लॉक किया जाए, उनको रोका जाए। उन्होंने ये भी कहा कि समय रहते अगर ये लोग नहीं सुधरे तो उनके खिलाफ विशेष व्यवस्था की गई है। मेवात के स्कूलों में बच्चियां पढ़ने के लिए जाती हैं, लेकिन कुछ लड़के स्कूल के बाहर बैठे रहते हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जो भी लड़का स्कूल के बाहर आवारा गिरती करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक तो पुलिस ने इनको पकड़ कर छोड़ा था, उनके माँ बापों के सामने समझाया था, लेकिन फिर भी ये नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनकी सुरक्षा के प्रति कोई भी समस्या सामने आती है तो सीधा एसपी के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें या फिर नजदीकी चौकी थानों में संपर्क करें, जिस पर तुरंत शिकायत पर अमल किया जाएगा। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। यहाँ पे बहुत बड़ा जिले में जहर घोलने का काम कर रही है, वो है गौकसी। मैं कहता हूँ कि भाई एक ऐसी चीज जिससे पूरे जिले का भाईचारा खराब हो रहा है, आसपास का भाईचारा खराब हो रहा है, और इस हिंसा में भी एक बड़ा योगदान गौकसी कर रहा है। एक ऐसी चीज जिसमें आप मेरे समाज को लीडरशिप लेनी पड़ेगी कि ये जो गौकस है इनको गांव से ब्लॉक किया जाए, इनको रोका जाए, फिर आप हमें मत के लिए जाएगा, इनके साथ ज्यादाती होगी। अब तक भटके दिए गए हैं, इनको कानून के सामने पेश किया गया है, अब ये नहीं सुधरते हैं तो इनके लिए इनको इनके लिए विशेष व्यवस्था करी गई है। अब ये चीज निकलेगी इनकी, इनके लिए विशेष स्ट्रेटेजी बनेगी। मैं आपको ये भी कहूंगा कि गौकसी में भी आप साथ में हैं, लेकिन अगर कल इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होती है तो कृपया उस टाइम कोई बोले भी ना कि जी आपने बताया नहीं था, हम समझा दे। मैं समझा के सबको जा रहा हूँ, आपने मन से जुड़ने का है, मीटिंग होती है, अच्छी अच्छी बातें करना भी दायित्व है, गरीब गरीब और साफ सुथरी बातें कर देना भी आदमी हम सब लोगों के लिए फायदेमंद रहता है, लेकिन इन आपको घरों का अच्छा और सही इलाज किया जाएगा। दूसरी चीज है कि ये देखने में आया कि बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं हम लोग, लेकिन बच्चियों की जो शिक्षा है उस पे इतना ना पेरेंट्स जोर दे पाए हैं, और जो जा रहे थे उनमें भी कुछ आवारा किस्म के लड़के स्कूल के बाहर, चाहे वो ऐसे भी बैठे हो, वो बैठे रहते थे या बाइक पर मंडराते रहते थे। आजकल हमने व्यवस्था करी है कि देश के साथ सप्ताह में एक दिन, ऐसे तो साथ सप्ताह में एक दिन जो भी है, ऐसे करते 3 या 4 दिन हम 27 ग्रेड कंडक्ट करवा रहे हैं। जो भी आवारा गति करते हुए स्कूल में बाहर लड़का दिख गया उसको हवाला में जाना पड़ेगा। अब तक तो हमने पकड़ पकड़ के छोड़े हैं, क्योंकि माँ बाप को बोला कि समझाया है कि भाई अपने बच्चों को रोको, इन पे काबू करो, लेकिन जो दूसरे की बहन बेटी स्कूल जा रही है वहां हत्या करने के लिए बैठा हुआ है, जरूर उसको सजा मिलनी चाहिए, कानून का प्रावधान है। तो ये दोनों चीजें मेरे को आपको बतानी भी थी कि बच्चों को पढ़ाए और उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो आप सीधा इसके ऑफिस में आए या मेरे एसपी के नंबर पे, सरकारी नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको उसमें कार्रवाई देखने को मिलेगी।